रुक करते हैं प्रदेश की ओर। ज्वालामुखी पहुंचने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बीजेपी के कार्यक्रम भड़ोली कुटियारा में स्थानीय विधायक रमेश धवाला एवं सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू अपने 3 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने उनका भारतीय जनता पार्टी में आने पर स्वागत किया। ज्वालामुखी पहुंचने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बीजेपी के कार्यक्रम भड़ोली कुटियारा में स्थानीय विधायक रमेश धवाला एवं सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू अपने 3 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस अवसर पर ज्वालामुखी के स्थानीय विधायक रमेश धवाला ने कहा कि हम बीजेपी में ओबीसी के 3 MLA हैं, कांग्रेस पार्टी में एक है। इस बलती हुई आग में मत बढ़े, तू खज्जड़ हो ही जाना, तेरा जो लोगों बीच बैठ बनी है वह सब खत्म हो जानी। लोकसभा में चुनकर पंडित ठाकुर और चौधरी भी चुनकर लोकसभा में गए हुए हैं, इस बार गद्दी समुदाय से किशन कपूर को जीत पर लोकसभा में भेजेंगे। अब जो कोई बड़े बड़े जो थे वो सब पीछे हट गए, और हमारा जो ये पवन काजल जी को कैंडिडेट बना दिया। अब कह रहे हैं जी चौधरी जो है चौधरी ऐसे भी जिस मर्जी तरफ जो है उनको घेर लिया। हम जानते हैं सब कुछ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी चाहे बहनों को ये इलेक्शन लड़ने के लिए 15% तक रिजर्वेशन दी है तो बीजेपी यादव ने दी है। बच्चों को 10,000 रुपया जो वो मिल रहा है, और उसके अलावा क्रीमी लेयर जो है वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख था इनके टाइम में, अब 8 लाख जो है वो क्रीमी लेयर का किया हुआ है। और उसके अलावा इन्हें कांगड़े काकू जी ये पता होना त्रै बांस गड्ढे हो कहने आ रही था मेरा जी तू गाय बैठे रहनी सच इन्हों की जिले यादगार च हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, चौधरी हरदयाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, सरवण कुमार के नाम से वो जो यूनिवर्सिटी है वो उसका नाम रखा, नामकरण किया गया है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक एक वोट मेरे मित्र हैं किशन कपूर जी, सारे पंडित भी गए, माकर भी गए, सारे और भी गए, गई चौधरी भी गए लोकसभा च एक बारी लगाएंगे मेरे परम मित्र हैं और अच्छे वोटों से लगाएंगे उनको जिताएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जयराम ठाकुर ने कहा कि जब ज्वालामुखी आते हैं तो माँ ज्वाला का आशीर्वाद लेने का अवसर भी प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 19 मई को जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत करवाने के आपका सहयोग होना चाहिए। देश की आवश्यकता क्या है कि आज की तारीख में नरेंद्र भाई मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में एक नजारा देखिए, आप रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अखबारों के जरिए खबरें सुनते हैं और पढ़ते हैं, रोड शो राहुल गांधी का हो रहा है, प्रियंका गांधी का हो रहा है, लेकिन नारा मोदी मोदी का लग रहा है। इसलिए बात यहीं तक नहीं रखी हम और आप ये कह रहे हैं कि पूरा देश इस बात को मान रहा है कि आने वाले दिनों में मोदी फिर से PM बनेंगे। और ऐसी परिस्थिति में मैं देख रहा हूं पूरे प्रदेश भर में जब भारतीय जनता पार्टी की बात थी 15 मिनट के अंदर चर्चा होने के बाद निर्णय हुए और एक किस्त में 4 टिकट हमने घोषित कर दिए। और यहां कांग्रेस की बात देखिए, कांग्रेस को 4 टिकट घोषणा करने के लिए कई दिन लगे और टिकट जब घोषणा की 4 टिकटों की वो भी 3 किस्तों में, और इससे अंदाजा लग सकता है क्योंकि वो भी सकते हैं। मैं मुझे सचमुच में उन लोगों पर जो है थोड़ा सा उन दया भी आ रही है क्योंकि सामने दीवार पर लिखी हुई इबारत है कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से हारने के लिए कौन टिकट के लिए मांग करेगा। देखो मोदी एकदम मोदी को पहचान लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए अगर राहुल गांधी अगर कहीं टेलीविजन पर भाषण देते हुए दिखता है, वो छोटा सा बच्चा जो अभी बोलना सीख रहा है वो भी बोलता है मम्मी देखो पप्पू कि हमने शब्द नहीं प्रचलित किया, हम तो बोल नहीं रहे, हम तो वो बोल रहे तो बच्चा बोल रहा है। और एक जमाने में क्या होता था कि गांव में जाते थे, कहीं कस्बे में जाते थे, शहर में जाते थे, इस नाम की बड़ी प्रतिष्ठा होती, बहुत प्यार से बोला जाता था और परिवार के लोगों को बहुत प्यार से उस बच्चे का नाम रखने का ये शब्द
रखने का तो है, बहुत आनंद आता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा कि कोई अपने बच्चे के नाम ये रख नहीं रहा है। ये हालात है आपको करो। मैं तो चौकीदार के हस्ते से काम करता हूं, मैं चौकीदार बनकर के काम कर रहा हूं। इस पर कांग्रेस के नेता जो प्रधानमंत्री बनने के सपने लेता है, वो जीत जीत करके कहने लगे, चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे चौकीदार के बारे में टिप्पणी की, चौकीदार को है प्रकार से एक नहीं बना। मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने लगा अब्दुल्ला करके उनको फटकार लगाई और माफी मांग करके जो है पूरे जो है उनकी फजीहत दूर कर दी है। लेकिन आप कल्पना करिए, जब चौकीदार के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, लोगों ने पूरे ध्यान से सुना देखा और उसके बाद फिर लोगों की भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त हुई। लोगों ने कहा मोदी जी आप ही चौकीदार नहीं, हम भी चौकीदार हैं। आज हर जगह जाइए, आप जहां भी जाइए बच्चा बच्चा बोल रहा जी मैं भी चौकीदार, पान बेचने वाला बोल रहा जी मैं भी चौकीदार, फट्टा लगा के रखा है, किराना बेच रहा है लेकिन फट्टा लटका के रखा है, मैं भी चौकीदार। पिछली बार का नारा भी कांग्रेस के नेताओं ने दिया,